आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा संकुचन को रोकने के उपाय अथवा मुद्रा अविस्फीति को कैसे दूर किया जा सकता है, वो हम रेमेडीज ऑफ डिफ्लेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। यदि हम मुद्रा संकुचन के उपायों की बात करें तो पहले हमें ये देखना होगा मुद्रा संकुचन क्या स्थिति है, जिसमें मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, जिससे मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती हैं। वस्तुओं की कीमतें कम होने के कारण उत्पादन की मात्रा भी कम होती है और रोजगार के स्तर में भी धीरे धीरे कमी आने लगती है। या हम कह सकते हैं कि एक तरह से प्रभावपूर्ण मांग जो होती है वो मुद्रा संकुचन के अंतर्गत कम हो जाती है। तो यदि हम, ये तो हुई संकुचन की स्थिति, लेकिन यदि हम कहें मुद्रा संकुचन को रोकने के उपाय, तो रोकने के उपाय में वे सभी प्रयास आएंगे या वे सभी उपाय हम शामिल करेंगे जिनका उद्देश्य उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना तथा रोजगार के स्तर में वृद्धि करना हो। इसके साथ ही वे सभी इंस्ट्रूमेंट्स जिनका उद्देश्य कुल प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना होता है, वे सभी अविस्फीति को रोकने के उपायों के अंतर्गत आते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अविस्फीति या मुद्रा संकुचन को रोकने के लिए अपनाई गई नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उनका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि उपभोग तथा विनियोग की मात्रा में वृद्धि करके कुल प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि की जाए। मतलब संकुचन को रोकने के लिए जितने भी उपाय, यंत्र, नीतियां बनाई गई, सबका टारगेट या मेन एम क्या होता है? उपभोग तथा विनियोग की मात्रा में वृद्धि करना और उस वृद्धि के साथ कुल प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि धीरे धीरे करना। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रा संकुचन को रोकने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उनको मुख्यतः तीन भागों में हम विभाजित करते हैं। पहला है मॉनिटरी मेजर्स, मौद्रिक उपाय, जो कि केंद्रीय बैंक द्वारा, जो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किए जाते हैं। दूसरा है फिस्कल मेजर्स, राजकोषीय उपाय, जो कि सरकार द्वारा अपनाए जाते हैं। और तीसरा है अदर मेजर्स, अन्य उपाय। अब हम पहले मॉनिटरी मेजर्स को देखेंगे, मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय जो हैं वो केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित किए जाते हैं और सरकार की, मतलब सरकार से विचार विमर्श करने के उपरांत केंद्रीय बैंक इस प्रकार की नीति बनाता है कि मुद्रा संकुचन को दूर करके मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जा सके। इसके मॉनिटरी मेजर्स में वे सभी उपाय आएंगे जिनका मुख्य उद्देश्य देश में मुद्रा तथा साख की मात्रा को बढ़ाना, उसकी वृद्धि करना हो। तो मौद्रिक उपायों में केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के अंतर्गत ऐसे प्रयास करता है कि साख का प्रसार हो, अर्थात मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो। इसके लिए बैंक दर में कमी की जाती है, क्योंकि जब बैंक दर में कमी करता है केंद्रीय बैंक, तो अन्य बैंक जो होते हैं जैसे कमर्शियल बैंक, वो कम ब्याज पर जनता को ऋण देते हैं। और जब जनता को कम ब्याज पर ऋण मिलता है तो वो ज्यादा से ज्यादा ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, और जिससे व्यवसायिक क्षेत्र को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और उसका विस्तार होता है। तो बैंक दर में कमी करने से बैंकों के कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे ऋणों की मांग बढ़ती है। ऋणों की मांग बढ़ने से साख का प्रसार होता है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा प्रतिभूतियों को ऊंची कीमतों पर खरीदता है, जिससे जनता के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ती है।